करते हैं। भैया बिहाया पत्तों का क्या करोगे? दीदी बेहया पत्तों का प्रयोग करते हुए मैं प्राकृतिक काढ़ा बनाऊंगा। बेहया के पत्तों से काढ़ा ये किस लिए भैया? बहना यह काढ़ा हर फसल के लिए उपयोगी है। वो किस तरह भैया? सच कहो आपको पता नहीं? यह सच है हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं आइएगा हम आपको इसे तैयार करके दिखा देते हैं। भैया आप इस काढ़ा को कहाँ तैयार करोगे? भैया मैं इस काढ़ा को घर पर ही तैयार करने वाला हूँ आइएगा मेरे साथ। बहिया के पत्तों से काढ़ा बनाने के लिए जरूरी सामग्री। बहिया के पत्ते सिर्फ 10 किलो। गाय का मूत्र 15 लीटर। अब मैं आपको काढ़ा बनाने का तरीका दिखाने वाला हूँ बैठ जाइएगा। पहले पत्तों को डालों से अलग करके रख ले। भैया इन पत्तों को अलग कर दिया गया इन्हें क्या करें? अलग किया गया पत्तों को अच्छी तरीके से कूट ले। कूटे हुए पत्तों को क्या करना होगा भैया? पहले हम लोग चूल्हा को जलाएंगे। चूल्हा पर माटी का घड़ा रखेंगे। भैया चूल्हे पर घड़ा रखने के बाद हमें क्या करना होगा? देसी गाय का मूत्र 15 लीटर घड़े में डालेंगे। देसी गाय का मूत्र डालने का उपरांत हमें क्या करना होगा? अब हम कूटे हुए बेहिये के पत्तों को इस घड़े में डालेंगे। भैया घड़े में गाय का मूत्र और कूटे हुए बिहाया पत्तों को डालने पर काढ़ा तैयार हो जाएगा? अभी नहीं, इस मिश्रण को 5 बार उबाल आने तक इंतजार करना होगा। हाँ अब उबाल आ चुका है, इसे हमें नीचे संभाल कर रखना होगा। धीरे धीरे संभाल कर। ठीक है। हमें इसे 12 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा। भैया क्या यह काढ़ा तैयार हो गया? हाँ बहना अब यह काढ़ा तैयार हो गया। भैया इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें इसे इस तरीके से छानना होगा। लाओ मुझे दो। भैया इस फिल्टर किए गए काढ़े का क्या करना होगा? बहना इस काढ़े को 100 लीटर पानी में मिलाना होगा। मिलाए हुए मिश्रण को 1 एकड़ धान की फसल के जड़ों पर छिड़काव करें। इसे फसल पर छिड़काव करने से क्या लाभ होगा भैया? छिड़काव करने से बहुत सारे उपयोग है। उससे क्या उपयोग है भैया? पहले ये मधुआ कीट टेला दूसरी और रस चूसने वाले कीटाणुओं पर भी काम करेगा। सिर्फ यही बात नहीं, इसे बनाने में किसान को खर्चा कम होगा और उपज भी बढ़ेगी। भैया इस काढ़े का इतना सारा लाभ होगा? हाँ बहना इससे ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। इसके लाभ हमें बताने के लिए हम सबकी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप सबको भी मेरा धन्यवाद।